नमस्कार दोस्तों कोविड 19 आपको एवं आपके परिवार को किसी भी प्रकार से छुए तक नहीं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों आप तक लेकर के आ रहा हूं जिसका टाइटल है ड्यूरेट एक्सटेंशन इन इनकम टैक्स कंप्लायंस एक बड़ी राहत की खबर सीबीडीटी की ओर से यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की ओर से आयकरदाताओं के लिए आई है तो मुझे लगा सर कि क्यों ना ये खबर में आपके साथ में एक वीडियो के फॉर्मेट में शेयर करूं तो आइए देखते हैं सर क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं और आपके लिए वो किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों सबसे पहली महत्वपूर्ण बात जो यहां पर रख रहा हूं वो है एक्सटेंशन ऑफ सेक्शन वन थर्टी आईटीआर ड्यू डेट इकतीस मार्च दो असेसमेंट ईयर 2021 20 के लिए आईटीआर फाइल करने की दोस्तों लास्ट डेट थी डिस्पाइट वेरियस रिक्वेस्ट मेड बाय दर्ज भारत सरकार की ओर से वो ड्यूडेट एक्सटेंड नहीं की गई फॉर्चुनेटली सर अब भारत सरकार ने आज यानी एक मई को यह घोषणा करी है कि जो असमेंट ईयर बीस इक्कीस के लिए आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट थी इकतीस मार्च दो हजार इक्कीस उसको अब बढ़ाकर के इकतीस मई दो हजार इक्कीस किया जा रहा है साथ ही दोस्तों अगर आपने कोई रिटर्न फाइल कर दी और अब आपको लगता है कि ई कैंपेन के किसी नोटिस की वजह से कोई सूचना आपसे रिटर्न में दिखाने से रह गई है और आप चाहते हैं कि उस सूचना को शामिल करते हुए एक रिवाइज रिटर्न आपको फाइल करनी है तो आप इस मौके का फायदा उठा सकते हैं और 31 मई 2021 तक आप अपनी रिवाइज रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं यह एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है बहुत महत्वपूर्ण रिलैक्सेशन है सर जो आज तारीख में हमारे को मिला है इस संदर्भ में यदि आप सीबीडी के सर्कुलर नंबर आठ बटे दो हजार इक्कीस जिसके थ्रू एक्सटेंशन दिए गए हैं उसका हवाला लेना चाहे तो उसका लिंक भी मैंने यहां पर आपके साथ शेयर किया दोस्तों अगला पॉइंट है एक्सटेंशन ऑफ सेक्शन 148 फोर्टी एट आई टी आर फाइलिंग डेट क्योंकि रिसेंट पास्ट में बहुत सारे एससी को सेक्शन 148 के नोटिस आए हैं असेसमेंट ईयर 2013-14 ऑनवर्ड्स अपनी 148 की रिटर्न भरने के लिए तो इस सर्कुलर में जिसका रेफरेंस मैंने यहां पर लिया सर आठ बड़े दो उसमें क्या बात आई कि इनकम टैक्स रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन वन ऑफ द एक्ट फॉर विद द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर द सैड नोटिस इज फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2021 ट्वेंटी वन और देयर आफ्टर यानी आपको एक 148 फोर्टी एट का नोटिस आया जिसमें आपको जनरली तीस दिन का टाइम मिलता है रिटर्न भरने के लिए अगर वो तीस दिन की समयावधि आपकी एक अप्रैल दो हजार इक्कीस ऑनवर्ड एक्सपायर हो रही है तो आपको लास्ट डेट 31 मई 2021 या उस नोटिस के हिसाब से जो लास्ट डेट होगी वो विच एवर इज लेटर विल बी द डेट अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन वन तो आप सर वन के की रिटर्न भरने में भी अब जल्दबाजी ना करें भरपूर टाइम लें और अपने प्रॉपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद में 148 की रिटर्न को फाइल करें और देखिए दोस्तों जो एक्सटेंशन आया है दैट इज एक्सटेंशन ऑफ अपील फाइलिंग डेट्स अपील फाइलिंग डेट्स में क्या एक्सटेंशन है सर कि मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल आपके केस में एक 25 मार्च 2021 को असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ या कोई पेनल्टी ऑर्डर पास हुआ और अब आपको सी अपील में अपील फाइल करनी है बिकॉज ऑफ कोविड नाइन्टीन आप अपने कंसल्टेंट से संपर्क नहीं कर पा रहे या डेटा नहीं शेयर हो पा रहा इसकी वजह से आपकी अपील नहीं फाइल हो रही तो अगर आपकी अपील फाइलिंग की लास्ट डेट 1 अप्रैल 2021 ऑनवर्ड्स ड्यू है तो आपको भारत सरकार ने 31 मई 2021 तक की अपील फाइलिंग की लास्ट डेट दे दी है लेकिन दोस्तों ये जो एक्सटेंशन है ये आई में अपील फाइल करने के संदर्भ में नहीं आया है दिस इज इन रिलेशन टू फाइलिंग ऑफ अपील बिफोर सीआरटी अपील यानी अगर सीआरटी अपील का कोई ऑर्डर है जहां आपको 60 डेज मिलते हैं अपील फाइल करने के लिए तो वहां अभी के लिए आपको 60 डेज की टाइम लिमिट कंप्लायंस करनी पड़ेगी आईटीएटी में अपील फाइल करने के लिए टीडीएस की ड्यू डेट में सर क्या एक्सटेंशन आया ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे करदाता जो टीडीएस जमा कराने के लिए लाइबल हैं उनके लिए भारत सरकार ने बोला कि पेमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन वन नाइनटी फोर आई ए आई बी वन एम एंड फाइलिंग ऑफ चालान कम स्टेटमेंट फॉर सर टैक्स डिडक्टेड

31 मई 2021 टाइमिंग कर दी है तो आप इस पर्टिकुलर समय अवधि के एक्सटेंशन का भी बेनिफिट उठा सकते हैं सो so दोस्तों बिफोर आई आई क्लोज दिस वीडियो मस्ट से अभी असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए ड्यू डेट थोड़ी दूर पड़ी है 31 जुलाई 30 सितंबर उसके संदर्भ में कोई एक्सटेंशन नहीं आया है तो आपको अभी चिंता करने की जरूरत भी नहीं है कि भारत सरकार कोविड के मद्देनजर उन ड्यू डेट्स को भी यदि जरूरी होगा तो चेंज करेगी लेकिन फॉर टाइमिंग आप मैंने जैसे शुरू में एडवाइस किया असेसमेंट ईयर बीस इक्कीस की रिटर्न में अगर आपको कहीं भी कोई चेंज करना है या जो लोग नहीं फाइल कर पाए अपनी रिटर्न और वो रिटर्न फाइल करना चाहते हैं वो इस मौके का फायदा जरूर उठाए तो सर अंत में कोविड 19 से आप एवं आपका परिवार सुरक्षित रहे आप पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अनु भटिया यहां अपनी वीडियो समाप्त करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद